हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए वूलन की कैप बनाएंगे। ये कैप बहुत ही इजी है बनाना। इसको ये जस्ट 10 मिनट्स में रेडी हो जाती है और ये बहुत ब्यूटीफुल भी लगती है। यहाँ पे मैंने फ़र वाली वूल लेके ये कैप बनाई है। तो इस कैप को बनाने के लिए हमको कोम चाहिए, वूल चाहिए, सीजर चाहिए, थ्रेड नीडल हमको चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने फ़र वाली वूल ली है। आप नॉर्मल वूल से भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एंड पे अपना थोड़ा सा वूल छोड़ना है। तो इतनी वूल की लेंथ मैंने छोड़ दी अपनी। और फिर अब देखिए, इसको मैं अपने कोम में रैप करूँगी। तो मैंने इस तरीके से एक नीचे डाला, फिर ऊपर डाला, फिर नीचे डाला, फिर ऊपर डाला। तो इस तरीके से हम इसको अपने कोम में रैप करेंगे। देखिए, एक हमने ऊपर की साइड रखना है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और इस तरीके से हम अपने कोम में इसको रैप करते जाएंगे। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ही ईजी है ये। तो इस तरीके से हमारी जो एक एक नॉट्स है वो ऊपर आती जाएगी और एक एक नीचे। अब हमने यहाँ पे एक फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर लिया हमने। अब हम रिवर्स जाएंगे और अब हम रिवर्स करेंगे, मतलब पहले जहाँ हमने ऊपर डाला था वहाँ पे हम नीचे डालेंगे और इस तरीके से रिवर्स करेंगे। तो देखिए, यहाँ से मैंने नीचे डाला, फिर ऊपर डाला, फिर नीचे, फिर ऊपर, और इस तरीके से मैं अब रिवर्स में जाऊँगी। तो मेरी कोम में जहाँ जहाँ पहले नॉट नहीं थी वहाँ अब सेकेंड लेयर में नॉट आ जाएगी। तो यही प्रोसेस हमको रिपीट करके ये कैप बनानी है। और इस तरीके से हम अपने कोम में इसको डालते जाएंगे अपनी वूल को। ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आप इसको नॉर्मल वूल से भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये फर वाली वूल ली है। तो एक बार हम ऊपर डालेंगे, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। और जब हम रिवर्स में जाएंगे तो जहाँ हमने ऊपर डाला था वहाँ हम नीचे डालेंगे और इस तरीके से अपनी लेयर्स बनाएंगे। इस तरीके से आप अपनी सभी लेयर्स कंप्लीट करें। जितनी हमारी कोम में आ सकती है उतनी मैं लेयर्स यहाँ पे बना देती हूँ। तो देखिए, मेरी लेयर्स कंप्लीट हो गई है। अब मैं अपनी वूल को कट कर लेती हूँ। इसको मैं बैक साइड ले जाके, जो मैंने पहले वूल छोड़ी थी और एंड वाली, फर्स्ट और लास्ट वाली को नॉट बना के मैं टाई अप कर लूँगी। अच्छे से 2-3 नॉट लगा के उसको टाइट करके एक्सेस वूल मैं कट कर लेती हूँ। तो अब हम अपनी नीडल में वूल डालते हैं। थोड़ा सा आगे टेप लगा के मैं ये वूल डाल रही हूँ ताकि ईजिली चली जाए, बिकॉज़ फ़र वाली वूल को प्रॉब्लम आती है हमको डालने में नीडल में। तो आगे थोड़ी सी आप टेप लगाएं, उसको आप एक पॉइंटेड एंड में कट करें और फिर आप डालें। और अब इसको हम स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं टॉप से अपनी नीडल को नीचे डाल रही हूँ। हमको ध्यान रखना है कि सारी जो लेयर्स हैं वो हमारी नीडल में आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं ये फ़र वाली वूल ली है तो इसमें नॉट्स हमारी इतनी ईजिली दिखती नहीं है, तो हमको थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप सिंपल वाली वूल लेंगे तो ज़्यादा इजी रहता है। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है कि सभी हमारी जो लेयर्स हैं वो हमारी आनी चाहिए नीडल में। दूसरे एंड पे मैंने नॉट लगाई है, इसको हमको ध्यान रखना है, निकलना नहीं चाहिए। और अब देखिए, अब मैं नीचे से ऊपर डालूँगी। तो पहले हम ऊपर से नीचे लेके आए थे अपनी नीडल, अब नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। और इसी तरीके से फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरीके से हम अपने जो सारी लेयर्स हैं उसको अपने नीडल में डालेंगे। अब नीचे, अब देखिए, ऊपर से मैं नीचे लेके जा रही हूँ। हमको इसी तरीके से अपनी इस कैप को स्टिच करना है। हमको ये प्रोसेस थोड़ा केयरफुली फॉलो करना है।
हमारी कोम से बाहर नहीं निकलनी चाहिए लेयर्स, और हमारी नीडल में सारी नॉट्स हैं वो आनी चाहिए। फ़र वाली वूल का लुक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है हमको बनाने में, लेकिन इसका लुक उतना ही अच्छा लगता है हमको। तो ये आपकी इच्छा है, आप चाहे तो नॉर्मल वूल भी ले लें, चाहे तो फ़र वाली लें, दोनों से ही ये कैप बहुत अच्छी बनती है। और इसी तरीके से मैं अपनी सारी जो लेयर्स हैं उनको अपनी नीडल में ले लूँगी, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर ले जाके सब लेयर्स को अपनी नीडल से स्टिच कर लूँगी। तो देखिए हमारी जो है सब लेयर्स स्टिच हो गई है। अब मैं इसको कोम से निकाल लेती हूँ और अब मैं इसको अपनी सर्कल शेप में स्टिच करूँगी। तो पहले मैंने अपनी इस तरीके से फर्स्ट और लास्ट पॉइंट्स को जोड़ देना है, और फिर वंस अगेन उसको मैं अपनी जो ये मेरी नॉट है इसको मैं इनसाइड लेके, मतलब अंदर की साइड लेके जाऊँगी और फिर अपनी स्टिच कर दूँगी ताकि हमारी वो विजिबल ना रहे बाहर से। और इस तरीके से देखिए हमारी सर्कल शेप बन गई है। अब हम अपनी कैप को क्लोज़ करेंगे टॉप साइड पे। तो इस तरीके से मैं उसको जो एंड्स हैं उसको अपनी नीडल की हेल्प से स्टिच करती जाऊंगी और उसको क्लोज़ करती जाऊंगी। अब देखिए यहाँ पे एक पॉम पॉम है मेरे पास वाइट कलर का, वो मैं सेंटर में अपनी कैप के स्टिच कर लेती हूँ। तो इस तरीके से उसको मैंने सेंटर में लगा दिया और बैक साइड में मैं उसको डबल नॉट लगा के अपनी वूल को कट कर लूँगी। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी की कैप बिल्कुल रेडी हो गई है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है और इसको बनाना बहुत ही इजी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।